हसन, बताइएगा ओआईसी के मुमालिक की अहमियत के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया की जीडीपी का 7% जो है वो ओआईसी रुकन मुमालिक जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि देखिए 1.922 बिलियन की इसकी आबादी है, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप पूरी दुनिया की आबादी की बात करें तो ये इसका ऑलमोस्ट एक क्वार्टर बनता है, यानी 25%। और इस हवाले से इनकी बहुत बड़ी अहमियत है, एक बहुत बड़ी इकतसादी कुव्वत भी है। और यहीं पर भी मैं यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो आलमी मईशत में इनका हिस्सा जो है वो 7% है, विच इज़ सिग्निफिकेंट। मगर साथ साथ ये भी यहाँ पर जो है ये चीज़ इसकी काशी कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसको इन्हेंस करने के जो है वो वसी मौके भी मौजूद है। हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में इनका हिस्सा जो है वो 10.3-10.4% के करीब है। तो ये इटसेल्फ हमें एक और एवेन्यू जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे सामने से जो है वो रख रहा है, पेश कर रहा है कि हम एक्सपोर्ट्स के अंदर, बामी तजारत के अंदर, इकतसादी जो जो, जो 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 हमारी मईशत के मुख्तलिफ शोबे हैं उनके अंदर तआवुन को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और यही जो ओआईसी के जो जो वज़ीरे ख़ारिजा का जो ये 48वां अजलास है, इसका एक अहम एजेंडा ये भी है कि जो जो ये मुस्लिम उम्मा के जो ये ममालिक हैं 57 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी, इसके अंदर जो इनके दरमियान आपस में जो जो तजारत है, सरमाकारी है, जो मईशत के इसके अलावा सनत है, ज़राअत है, जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनके अंदर जो है वो जो तआवुन है उसको भी बढ़ाया जा सके। हम ये भी देख रहे हैं कि मैं आपको थोड़ी सी मजीद फिक्र देना चाहूँगा कि बेसिकली जो ओआईसी के अंदर, जैसा कि आपने भी फरमाया कि ये बेसिकली एनर्जी रिच स्टेट्स हैं, जो ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं वो एनर्जी रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारा क्रूड ऑयल आ जाता है, इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत आ जाती हैं, गैस आ जाता है। अगर हम खाने पीने की बात करें तो पाम ऑयल जो है वो एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इनकी जो है वो कमोडिटी है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारी कॉटन एक बहुत बड़ी, हमारी टेक्सटाइल जो है वो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कमोडिटी है। और इस हवाले से ये जो मुख्तलिफ जो ये और प्लस जो आने वाले, हम पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि आईटी सेक्टर्स ने ह्यूज जो है वो यहाँ पर जो है उसने फ़रोग पाया है। लास्ट 5 ईयर्स में तकरीबन 38% जो आईटी सेक्टर जो इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ ओआईसी मेंबर्स की, 38% जो आईटी सेक्टर। ये बताइएगा कि ओआईसी के इजलास में जैसे कि आपने बताया कि इक्तसादी और तजारती रवाबित जो है वो एजेंडे का अहम हिस्सा होने जा रहे हैं, बताइएगा तवक्को की जा सकती है कि इस इजलास के बाद माशी रवाबित में अहम पेशरफ्त हो सकती है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है जी। डेफिनेटली देखें, एक तो मेन एजेंडे का तो ये तो हिस्सा है ही, इसके अलावा की जो मुलाकातें होती हैं वो एक बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों के अंदर तआवुन को जो ब्रदर इस्लामी मुमालिक हैं इनके साथ मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को बढ़ा सकता है। उस हवाले से बातचीत चल सकती है, ज़राअत है, इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, आईटी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। हमने देखा कि ओआईसी के पिछले 5-6 सालों में जो सर्विस सेक्टर, उसमें एक बहुत बड़ी बूम आई है, तो उस बूम को हम भी कैश इन करना चाहेंगे, हम भी उसमें शामिल होना चाहेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी। अच्छा हसन, ये बताइएगा, हम ये देख रहे हैं कि ये जो ओआईसी का इजलास हो रहा है इसमें कश्मीर के मसले के हवाले से भी बहुत अहम मौजू जो है वो जेरे बहस आएगा, तो इस्लामी तामुन तंजीम अभी तक कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो कोई कंक्रीट चीज हमें अभी तक नजर नहीं आती, तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो इजलास अभी होने जा रहा है मसला कश्मीर के हवाले से भी कोई अहम पेशरफ्त या कोई अहम चीज सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, देखें जी, कोई भी इंटरनेशनल फोरम है तो बल्कि तमाम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की तर्जुमानी की है, उनकी वकालत की है, उनका मुकदमा दुनिया के सामने पेश किया है और लड़ा है। और जो ओआईसी का ये इजलास है ये सवाले से भी खसूसी अहमियत रखता है कि ये भी हमें दोबारा से एक मौका दे रहा है कि हम दोबारा कश्मीरियों की आवाज़ वहाँ पर बुलंद करेंगे, कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान दोबारा से कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो इटसेल्फ आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इटसेल्फ कश्मीर के हवाले से भी ये बहुत अच्छा मौका है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे तमाम तसूरत हाल से।